तो जो अंडर 19 के सीगा तो उदों एक तरह का अप डाउन बड़ा आया, तो भी मौका घट मिलना, जो मौका ना मिलने करके फ्रस्ट्रेशन जी आई। असीं भी थोड़ा डोले तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आई कि तू इदा कर भी क्रिकेट छड़ दे, लगता नहीं भी कोई बने स्कोप बने, तो तू अपने ब्रदर को चले जा, कैनेडा चले जा। तो यह कहता कि मैं साल डेढ़ साल दो, तो इनू मोटीवेट करना मैं ग्राउंड च लै जाता है। मैं ये स्प्रिंटा लाता रहा, अंडर 19 जो खेडन गया तो अं ग्राउंड के मैं कंपीटिशन लाता। पंजाब का मुंडा जो हिंदुस्तान में सिलेक्ट होया टीम से, मेरे को 13 साल का सी जो मेरे को आया सी, तो घट्टो घट 9 या 10 साल लगे तो यह मुकाम पूरा होया। इंडियन क्रिकेट टीम खरड़ दे यानी कि पंजाब के मुंडे का सिलेक्शन होया अर्शदीप सिंह का। उन्होंने घर की तस्वीर दिखाते हैं, जशन के पूरा परिवार जो डुबया हुआ है, ढोली इतने बुलाई गई है, तो घर जोड़ा है वो इदा लग रहा है कि दिवाली वाला पूरा माहौल इतने नज़र आ रहा है। सारे जोड़े भंगड़ा पा रहे हैं क्योंकि एक खुशी का माहौल होता है जब इंडियन क्रिकेट टीम के जाना एक वड्डी गल है, नाले पंजाब के लिए भी बहुत वड्डी गल है क्योंकि इस तो पहला भी काफ़ी क्रिकेटर्स जोड़े हैं पंजाब के वो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 23 साल के अर्शदीप सिंह भी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ पंजाब तो IPL हालांकि उन्होंने खेलिया तो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ इंडियन क्रिकेट टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ शामिल हो गए हैं। किसी भी पेरेंट्स के लिए खुशी का पल होता है जब उन्होंने कोई भी बच्चा कुछ अचीव करता है, तो अर्शदीप सिंह ने भी वही अचीव किया है। हालांकि खाब कुछ होर सीगे पेरेंट्स के, लेकिन वो हुण इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने पेरेंट्स साडे नाल ने, बलजीत मैम ने ते दर्शन सर ने। मैम बहुत बहुत मुबारक हो सब तो पहला, तो जब तुहानू पता लग्या की रिएक्शन सीगा? सब तो पहला मैम जदों इहदी कल कॉल आई सी, सब तो पहले इहने मैनू कॉल कीती सी कि मैच ते जा रहा सी, ते कहंदा कि हैलो मम्मा सत श्री अकाल। मैं कहा सत श्री अकाल, की कर रहे जी? मैं कहा कुछ नहीं, मैच देख रही हूँ बैठी। ओके, आंदा बधाई होवे तुहानू। मैं कहा कादी बधाई बेटा? आंदा मम्मी टीम च नाम आ गया मेरा। फिर इन्नी गल करके मैं इन्हू ब्लैसिज दी अपनिया जड़िया देनिया सी। उस तो बाद कहता चलो मैं पापा नाल गल करदा। फिर वो जड़ा टाइम सी वो तो मतलब आपां बयान नहीं कर सकते ना, वो तो मुड़ के फिर अखां थाणी निकलिया जो जो भी सानू मिलिया, जो परमात्मा ने किरपा कीती आ। फिर खुशी के जोड़े आंसू निकले फिर कि चलो बच्चे ने अपने देश का नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया, पेरेंट्स का नाम रोशन किया। मतलब आप बयान नहीं कर सकते कि जिन्नी खुशी हुई है बच्चे का इंडिया लेवल पर आने की। दर्शन सर, बहुत इमोशनल एक मोमेंट होता है ना, खुशी भी है तो एक जोड़ा बच्चे का सपना पूरा होता है, तो हर माँ प्यो खुश होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन की सीगा? बस इन्हें मैंने फोन किया, मैं भी ग्राउंड च ही कल, तो कहते सत श्री अकाल। मैं अंज बधाई होवे। मैं भी किस गल दी? कहता जी अपना नाम आ गया, टीम सिलेक्ट हो गई है। तो मैं फिर इन्हें विश किया, ब्लैस किया, तो मैं कहा चलो परमात्मा तेन चढ़ती कला बख्शे। बस क्योंकि ये तो टीम की बस जा रहा सी, कल मैच से IPL का, तो ये तो फिर फोन कट करता। पर मेरे जिन्ने भी साथी जो मैच खेड रहे फिर सारे ने सैलीब्रेट किया, मुबारकबाद दिता। तो फिर अजे साड़ी बैटिंग चल रही, मैडम कहती कि तुसीं हुण मैच छड्ड के घरे जल्दी आ जाओ। तो कल मैं फिर बैटिंग भी अपनी सैक्रीफाइस करती और मैं घरे आ गया। फिर घरे जो मीडिया के बंदे सी और बाकी कोच साहब वगैरह आ गए, फिर उन्होंने अटेंड किया और आलमाइटी का थैंक यू किया कि जिन्होंने बच्चे ते इन्ना मेहर भरे हथ रखा और इस मुकाम पर पहुँचाया। ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜੇ। हाँ जी, मतलब इन्हों ना असी कहा कि जे तेनों स्टडी कर ली +2 करके, तो मतलब जे नहीं इधर कोई स्कोप ज़्यादा बढ़ नहीं सी रहा, पिछले थोड़ा जहा ब्रेकअप आ गया सी, तो मैं कहा जे नहीं है तो फिर बच्चे का आप फ्यूचर तो सिक्योर करना ही सी ना। फिर असी इन्होंने कहा तू अपने बड़े भरा कोल चले जा, तो इन्हें फिर कहा कि मैनू 1 डेढ़ साल दे दो, मैं पूरी मेहनत कराँगा, तो जे मैं नहीं कर पावांगा कुछ फिर मैनू भेज दिओ। तो फिर 1 डेढ़ साल के बच्चे दे मतलब पूरा ही इन्हें बहुत मेहनत की, सक्सैसफुल रहा। फिर इन्हू मतलब तुहाडे सामने ही आ हुण इंडिया वास्ते खेल रहे हैं। हाँ जी, अच्छा सर, पंजाब के कई क्रिकेटर्स ने जिन्होंने अपना नाम कमाया, युवराज सिंह होवे या फिर हरभजन सिंह होवे, कपिल देव होवे, वड्डे नाम ने है ना। हुण 23 सालों के अर्शदीप है अपना नाम कमा रहे हैं तो IPL के भी उन्होंने डैथ ओवर स्पैशलिस्ट कहा जाता है। किदां दी फीलिंग तुहानूं आई ते IPL दे जिहड़ा सफ़र देखिया तुसीं, हालांकि उस तो पहले अंडर 19 भी खेले ने, बट जिहड़ा IPL का सफ़र है वो किदां तुसीं मानदे हो कि वो उन्हां दे लई इक टर्निंग पॉइंट साबित होया? अंडर 19 वर्ल्ड कप जो जित के आए तो 2018 के ना है सीरीज नहीं, इनू ऑक्शन के नहीं आया, फिर 2019 बेस प्राइस रखा तो बेस प्राइस के रख के जो पहला मैच इतने डेब्यू किया PCA मोहाली के, इन्हें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया राजस्थान रॉयल के खिलाफ और बटलर और रहाणे की विकेट लिया और वो मैच भी जित गए पंजाब। तो एक तरह का अच्छा, क्योंकि IPL के एक्सपोजर बहुत मिलता है और बहुत चांस मिलते कि अच्छा फ्रेंचाइजी है तो वो बड़े अच्छे मौके दिता है। तो इन्होंने पंजाब किंग च रहिंदे होया बड़ा एक्सपोजर मिले, बड़े मौके मिले और परमात्मा की कृपा नाल इन्हें अच्छा परफॉर्म किया और उसकी वजह नाल ही जिहड़ा अज इस मुकाम मिलया है जी। ये बहुत अच्छा। बचपन तो किद्दां दा सुभाव है अर्शदीप दा, पढ़न दे विच किद्दां सीगे? पढ़न दे विच बहुत इंटैलीजेंट सी, ये मतलब +2 दे विच इहदे 10 CGP, 10th विच भी 10 CGP मैं पूरे मार्क्स लैंदा सी है और कभी ये नहीं सी कि होमवर्क इहदा अनकंप्लीट मिलिया सी स्कूल तो, कभी इहदी कंप्लेन नहीं सी आई। स्टडी विच बहुत वधिया सी, इंटैलीजेंट है। इन्हूं असीं +2 दे विच मतलब एडिशनल मैथ रखाया सी, एक महीना ने ट्यूशन रख के 64% मार्क्स लए सी उहदे चों मैथ चों भी। मैं आख्या जे बाई चांस क्रिकेट विच नहीं है तो कोई मतलब बैंक दा बाद च कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे अपने फ्यूचर वास्ते। हाँ जी, सारियां ऑप्शन रखियां होईयां सी नाल नाल। ते नहीं स्टडी दे विच भी बहुत वधिया, शरारती मतलब हैगा है, नोटी सुभाअ दा हैगा, काफ़ी मतलब हसमुख है, मतलब लड़ाई झगड़े विच नहीं ज़्यादा रहिंदा, हसदा खेडदा रहिंदा सारियां दे नाल, फ्रेंड सर्कल च भी जां अपने हुण टीम दे नाल भी आ। वो कहिंदे कि साडा सब तो वधिया मुंडा जिहड़ा सानूं हसा के रखदा, हमेशा खुश रखदा है, घरे भी ये सानूं सब नूं खुश रखदा है, कोई ना कोई गल करके इहने मतलब माहौल बहुत वधिया घर दा बना के रखदा है। ज़्यादा क्लोज तुहाडे तो पक्का है? मैंने तो जो खबर ही दी है तो पहले मां को दी है, मैंने बाद च दी है। नहीं तो उन्होंने कहता कि मां का चमचा, तो फिर उन्होंने बनना चमचा पूरा जो मीडिया तो ही आ गया मां का चमचा है ना। क्रिकेटर बनने की कद सोची इन्होंने कि इस फील्ड च जाना है? खेड सारे खेडते हैं असीं है ना, तो उन्होंने ये कद सोचा कि मैं यही जोड़ा स्पोर्ट लेना है। एक्चुअली मैं भी क्रिकेट खेडी हुई है थोड़ी बहुत डिस्ट्रिक्ट लैवल पर, तो फिर जो कदे कुदरती जो बचपन के 7-8 साल का सीगा तो असी बाहर पार्क के खेडन डे सीगे, तो जो पहली बारी बॉलिंग की तो यह लैफ्टी सी और एक्शन बड़ा स्मूथ सीगा। तो बीइंग क्रिकेटर फिर मैंने लगा कि है टैलेंट है तो कितना कितने अप्रोच करना चाहिए, तो फिर मैं उस तो ही जो है कोई कोच या अकैडमी लभनी शुरू कर दी, लेकिन फिर ट्रांसफरेबल जॉब होने करके मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैडम उन्होंने साइकिल पर लै जाते ही, लेकिन वो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। उस तो बाद फिर इस ही सैक्टर 19 भी गए, लेकिन फिर बाद च मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं तुसी ना बैटर फ्यूचर वास्ते बच्चे वास्ते तुसी GNPS अकैडमी है 36 तुसी उत्थे करो, पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन दे नाल सीगी एफिलिएटेड। फिर उत्थे ज्वाइन किया, उत्थे फिर लगभग 12-13 साल का सीगा। फिर उत्थे जसवंत राय सर कोच, फिर उन्होंने अच्छा इन्हूं तराशिया और अच्छा फिर अंडर 16 अंडर 19 दे विच अच्छा परफॉर्म किया। तो जो अंडर 19 दे विच सीगा ते उदों एक तरह का अप डाउन बड़ा आया, तो भी मौका घट मिलना, जे मौका ना मिलने करके फ्रस्ट्रेशन जी आई। तो फिर क्योंकि हरेक जो पेरेंट्स है वो ये सोचते कि उन्होंने बच्चे का फ्यूचर जो सिक्योर हो है ना, तो इस करके असी में थोड़ा डोले, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आई कि तू इदा कर भी क्रिकेट छड़ दे, लगता नहीं भी कोई बने स्कोप बने, तो तू अपने ब्रदर को चले जा कैनेडा चले जा। तो यह कहता कि मैं 1.5 साल दो, तो फिर 1.5 साल दिता, तो बाकी पूरी अकैडमी चनू जिहड़ी भी कोचिंग मिली। फिर इन्हें उस साल ही इन्हें इंटर डिस्ट्रिक्ट के बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो बेस पर फिर इन्हों पंजाब टीम वाल चुनिया गया। फिर उस तो बाद पंजाब टीम इन्हें अच्छा किया इंटर स्टेट के, फिर जोनल च गया, तो फिर उधरों चैलेंजर ट्रॉफी हुई है। चैलेंजर ट्रॉफी इन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिथे फिर राहुल ड्राविड सर तो वेंकटेश प्रसाद जी वगैरह उन्होंने सारा किया। तो वो परफॉर्मेंस के बेस पर वो एशिया कप होया मलेशिया, वो सिलेक्शन हुई। फिर उस तो बाद वर्ल्ड कप होया न्यूजीलैंड, वो सिलेक्शन हुई, वो 4था परफॉर्म किया। तो इदा जो मौका इन्हें मंगया सी 1.5 साल का, वो फिर बड़ा फ्रूटफुल रहा, बड़ा अच्छा रहा। बेटे नूं जिन्नी की खुशी है ना, आगे इन्हां दे आइडियल कौन ने जिन्होंने देख के क्रिकेट दे विच आए? तुसीं तो हो गई शुरुआत, तुहाडे तो ही होनी। पेसर दे विच देखा जाए फास्ट बॉलर लैफ्ट दे विच, ते मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान दे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइक करते सी, हाँ जी फॉलो करते सी। दोस्तों बाकी तो मेरे वालों तो होंदा है कि उसकी लाइन लेंथ तेरी मैकग्राथ वर्गी होनी चाहिए। मैं तो यो कहता रहना कि वो टिप नहीं छड़ना है ना, तो एज ए फादर या एज ए जो करके मैं तेनों यो गाइड करदा। तो बाकी मुहम्मद अमीर ना मेरा जितने नॉलेज है वो ज़्यादा फॉलो करता है। खेलते हो सर मैच आपस? हाँ जी, मैं कदे संडे ये ना खेलता रहा। मैं अंडर 19 जाने तो पहले अंडर 19 तक भी जो है मैं जोड़ा लोकल क्रिकेट होंगी है वो खेडे हुए हैं। असीं दोवां ने ओपनिंग बॉलिंग भी की हुई है, कई बार तो मैं बैटर की हुई है। तो बाकी की है कि ना क्रिकेट दे विच किसी गेम दे विच फिटनेस बहुत जरूरी, स्टैमिना बहुत जरूरी है। तो मैं उस ते बहुत जोर देना। किसी प्लेयर की एफिशिएंसी वो तो बहुत डिपेंड करती है। हुण तुसीं बैटिंग कर रहे हो, जो तुहाडा स्टैमिना प्रॉपर नहीं है तो वो तुहाडे उस ते परफॉर्मेंस ते इफेक्ट करेगा। ठीक है जी। तो फिर मैं इहनूं कहंदा कि तू फिटनेस प्रॉपर रख। तो इहनूं मोटिवेट करन वास्ते मैं ग्राउंड 'च लै जांदा सी। मैं इहदे नाल स्प्रिंटा लाउंदा रहा। अंडर 19 जदों खेडन गया तो असीं ग्राउंड दे विच इहदे नाल मैं कंपीटीशन लाउंदा सी तां कि इहनूं मोटिवेशन मिले कि मेरा डैडी मेरे नाल रनिंग कर रहा ते मम्मी उहदी जिहड़ी आ ओह वीडियो बनाउंदी सी। तो फिर इसदा कंपीटीशन चलता, इहनूं मोटिवेट इदां करदा रहा मैं। कलैक्टिव जीत कह सकदे इहनूं। हाँ हाँ, कलैक्टिव एक एग्जाम्पल सैट की कि मैं तेरे तो 25-30 साल सीनियर है ना, 32 साल, तो तेरे ना मैं दौड़ने तो फिर तेनों भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वो मेरा एम सीगा। जब इतने सी की शेड्यूल रहिंदा सी स्कूल ते प्रैक्टिस दे विच किद्दां तालमेल बिठा के रखदे? मैम सवेरे तो मॉर्निंग स्कूल जाते सी है ना, तीनों भैन भरावां नूं मैं छड्ड आंदी सी। आण के फिर मैं अपना घर का जो भी सारा काम कर लेना। दुपहरे इन्हां नूं लैके आंदी सी मैं, इहदा बैग भी मैं ही उठांदी सी क्योंकि थोड़ा वीक हुंदा सी, बैग भारी हुंदे सी बच्चों के। फिर इहदे आंदियां तक मैं इहदी यूनीफॉर्म रैडी रखदी सी, टिफिन रैडी रखदी सी, साइकिल ते इहदी किट रखनी, इन्हें चेंज होना, जद तक इन्हूं आखना पिछे बैठो अपना टिफिन, पिछे बैठे बैठे ही खा लैंदा सी। मैं अपना टिफिन नाल लै जांदी सी, मैं उत्थे पार्क 'च बैठ के खा लैंदी सी। ये 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस कर लैंदा सी, फिर इन्हूं मैं वापस लै आंदी सी, आके थोड़ा बहुत स्टडी का भी कर लैंदा सी। ते बस यही शेड्यूल हुंदा सी मेरा ये बच्चों के नाल। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा है अर्शदीप अज इस मुकाम ते पहुँचे हैं। ते बिल्कुल जे बच्चा तो तरक्की कर लेंदा है लेकिन उसदे नाल माँ प्यो भी करते क्योंकि उन्होंने भी उन्नी मेहनत होंदी है जिन्नी कि बच्चों की होंदी है। तो एक एग्जाम्पल सैट किया है अर्शदीप तो उसके पेरेंट्स ने कि जेकर बच्चों को माँ प्यो का साथ मिले तो वह कुछ ना कुछ अचीव जरूर कर सकते हैं। इंडियन क्रिकेटर अर्शदीप सिंह दे कोच ते गुरु साडे नाल ने जसवंत राय जी। जसवंत जी अज कहंदे कि गुरु दक्षिणा जिहड़ी हुंदी है वो मिलदी है तद जद जिहड़ा तुहाडा शिष्य है वो कुछ अचीव कर लेंदा है ना। शुरुआत है हले किद्दां देखदे हो हुण तक दा सफर? बड़ा अच्छा लग्या, बड़ी खुशी का माहौल है पंजाब वासियों नूं पूरे नूं, बड़ी खुशी का माहौल है। सारे मुबारक दिंदा मैं भी पंजाबी वासियों सारे कि एक पंजाब का मुंडा जिहड़ा है हिंदुस्तान विच सिलेक्ट होया टीम च। तो बहुत अच्छा लग रहा है, पेरेंट बड़े खुश है। अर्श नाल गल हुई सी सवेरे, वो भी बड़ा खुश है, मैं भी बड़ा खुश है कि एक मुकाम जिहड़ा असीं पूरा कीता है। पर ये मुकाम पूरा करने वास्ते पेशेंस बड़ी चाहिदी है। सानूं 9 साल लगे, ये मेरे को 13 साल का सी जदों मेरे को आया सी, तो घट्टो घट्ट 9 या 10 साल लगे तो यह मुकाम पूरा होया। तो मैं एक तो युवा जिन्हें भी क्रिकेटर है या पेरेंट्स यही कहना चाहता है कि जो भी कोई सफलता हासिल करनी है तो शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। तो पेशेंस अपने रखने पेगी, हार्डवर्क करना पेगा तो जाके सफलता हासिल होती है। जसवंत जी तुहाडे कोल होर भी कई बच्चे सीखते होने है ना, तुहानूं कद लग्या कि इस बच्चे दे विच पोटैंशियल हैगा? 15-16 साल का सी। तो एक मैनूं बड़ा जंजारू जिहा लगता सी। एक बार साइकिल तो आप ही आंदा सी, पहले तो मदर छड्डदे सी, उन्होंने बड़ा सैक्रीफाइस है मदर का कि 13 साल का सी जो मेरे को छड्ड के गए सी। तो साइकिल तो आंदे सी, 2.5 घंटे पार्क बैठते सी, फिर इन्हूं वापस लैके जाते सी। एक बार इन्हूं 5:30 का सी टाइम फिक्स किया कि कल 5:30 मिलांगे, तो 5:30 नहीं आया, आधा घंटा लेट आया। तो मैं इन्हूं कहा कि तू 6 बजे क्यों आया? भी 5:30 का टाइम सी, तो मैं इन्नी देर इंतजार कर रहा था। कहना सारा मैं थोड़ा लेट हो गया, तुसीं मैनूं पनिशमेंट दे दो जो देनी है। मैं चल फिर तू 5-7 राउंड ज़्यादा लगा। उस बाद असी सैशन खत्म किया, मैं अपनी गड्डी चक्की ते ये साइकिल मेरी गड्डी को खड़ा होंदा सी। तो मैंने कहा तेरा साइकिल नहीं अजे खड़ा, तू आया कितना? कहना सर बस आ गया। मैं कहा 5:30 तो कोई बस नहीं आती खड़ो तो ना कोई ऑटो मिलता। तो मैंने वही कह रहा कि नहीं सर अज मेरा साइकिल खराब हो गया तो मैं पैदल आया 12 किलोमीटर चल के। तो मैं कहा तू मैंने फोन कर दिंदा, सैशन मिस कर दिंदा। कहना नहीं सर एक सैशन की वैल्यू मैंने पता है कि सैशन की वैल्यू है। फिर मैं शामी जाके घर जाके सोचा है कि मुंडे बहुत जंजारूपन है, बड़ा डेडिकेटेड है कि तो अगर आप एक्स्ट्रा तो होर मेहनत कराई जाए तो टाइम दिता है तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। तो अज वही ये डेडिकेशन से जंजारूपन काम है। अज इंडियन क्रिकेट टीम के विच सिलेक्शन हो गया है अर्शदीप का कि असी देखते हैं कि कई बार एरोगेंसी आ जाती है, वो चीज़ा आ जाती है कि तुसीं इन्हें सिखाया कि काम रहना है, सिर तो नहीं चढ़ानी कोई चीज़? कल तो मेरी इतना ज़्यादा गल नहीं हुई सी क्योंकि कल इन्हों का मैच सी। तो मैं बिटवीन कोई 5:30 या 6 बजे फोन पर गल हुई है। तो बस उतर रहा सी तो स्टेडियम एंटर कर रहे थे, इन्होंने फोन जोड़े वो लै लेंदे है, फोन अगे नहीं लै लेंदे। तो बस कल तो मेरी यही गल हुई सी, इन्होंने बधाइयां बधाई दी, इन्हें मैंने दी। तो सवेरे फिर 11 बजे इन्हें मैं फोन पर यही चीज़ समझाई है कि एग्रैशन देखो जो बॉलर जो होना चाहिए, सीना चौड़ा बैट्समैन के अगे करना आप, पर बार सीनियर की रिस्पैक्ट करनी है, जूनियर को नाल लैके चलना है। आम पब्लिक जिदा आप डाउन द अर्थ पहला सी हुण भी दे रहना, क्योंकि अजे 23 साल का मुंडा है। तो जो एडा वाला ग्लैमर दिखता है, उन्होंने भी कुछ दिखता कि मैं इंडिया खेल गया, तो बच्चा थोड़ा भड़क जाता है। तो इन्होंने ये चीज़ें सवेरे समझाइया 11 बजे, मैं काफ़ी इन्हें डिस्कस होया कि आप उदा ही रहना, आप उत्थे फोकस करना जिदा आप पहला सी। IPL खेड रहे हैं, पंजाब किंग्स 11 की टीम के डैथ ओवर स्पैशलिस्ट कहा जा रहा है, गेम किद्दां दी लगी ते तुहाडे तो भी राय लेंदे? 3-4 साल है IPL से, डे बाई डे जिदा जिदा ईयर बाई ईयर इंप्रूव कर रहे सी अपने आप को। फिर उस बाद इन्ना एक्सपोजर IPL मिल जाता, फॉरनर कोचिज जाते हैं, मैनेजमेंट कोई साइकोलॉजिस्ट नाल हुंदा है, कोई लीडरशिप वास्ते हुंदा है। इन्हूं एक्सपोजर मिलता गया, अपने आप इंप्रूव करता रहा। फिर उन्होंने 4 साल का एक्सपीरियंस ही 3 साल का पिछे, इन्होंने भी कॉन्फिडेंस गेन किया इन्हें साल। तो उसदे नाल इहदी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि थोड़ा हम सीनियर प्लेयर अचानक है, क्योंकि वो पहला साल खेलता बच्चा, तो थोड़ा घबराया होंदा, नर्वस रहता है। फिर दूसरे साल थोड़ा जिन्होंने हौसला होंदा, तो तीजे चौथे साल जिन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया सी, तो उसका फायदा मिले। एज अ कोच, एज अ गुरु सर, तुहानूं कितनी की खुशी है कि अर्शदीप अज एक पड़ाव पूरा कर चुका है, हालांकि होर जिंदगी दे विच होर बाकी चीज़ां भी अचीव करनी है? बहुत खुशी है, मैंने तो बहुत खुशी का माहौल है मेरे घर च। बड़ा मैं सवेर का इधर ही बैठा इन्हों को, अर्श की वेट कर रहे थे, असं एयरपोर्ट लैके आए, तो घर वाले भी बहुत खुश है, तो बड़ा खुशी का माहौल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अर्श के कोच जिन्होंने दस्या कि खुशी उन्होंने बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस ही उन्होंने गाइड भी कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी के अचीव तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जी कामनैस है तो जी पेशेंस है वह बनाए रखनी बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन मनजीत के नाल पूजा वर्मा, पंजाब टुडे।